जी गुड मॉर्निंग मस्जिद कुबा से मैं मस्जिद कुबा पहुंच चुके हैं, दिखाता हूँ। एक रियाल की मूँगफली यहाँ जद्दा टू मदीना के लिए बसों में ये भी सेल होती है, एक रियाल की। अभी खोलते हैं इसके अंदर क्या है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मदीना शरीफ के लिए रवानगी जी जद्दा से। तो एक तो ये बैग दिख रही, मैंने लैपटॉप वगैरह रखा है इसमें अपना और एक दो ज़रूरत की चीज़ें, और दूसरा ये भाई साहब है, और देख लो ये दोस्त है जी, अक्सर वीडियो में मेरे साथ ही होता है। तो एक सफ़र ये, एक सफ़र मक्के का, और एक सफ़र जड्डा टू पाकिस्तान, जड्डा टू लाहौर के लिए होगा इंशाल्लाह। तमाम तर तफसीलात आपके साथ मैं वक्तन शेयर करता रहूँगा, उसके यानी कि जाने से पहले के जो मामला चल रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी ये सूख मगरबी से गुजर रहे हैं इंशाल्लाह। आगे जो बनीमाल से बसें जाती हैं उनके मतलब क्या किराया वगैरह याद देखते हैं, और कैसे जाती हैं, क्या सूरत हाल, कितने टाइम में पहुंचती हैं। मदीना शरीफ में रुकने का भी मूड है, कितनी देर रुकेंगे ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह, वो तो हालात देखकर फाइनल करेंगे। और दूसरा ये कंटिन्यू वीडियो आपके साथ जारी रहेंगी, तो इंशाल्लाह तमाम तर तफसीलात जी। तो मदीना शरीफ की तैयारी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अभी बसें लगी हुई हैं लेकिन साथ में तफ्तीश भी लगी हुई है। तो तफ्तीश आगे लगा हुआ है, तफ्तीश की वीडियो आपको पता ही बनाना ही ममनू है। तो बहरहाल आगे तफ्तीश लगी हुई मैंने आपको अच्छा बसें खड़ी हुई हैं, अभी इंशाल्लाह ताला वो जहाँ जाते हैं किराया वगैरह पूछते हैं, जो भी सूरत हाल आगे दिखाता हूँ आपको जी। तो देख लें जी ये बसें जो यहाँ से जाती हैं खड़ी हुई हैं, वो सामने भी है और ये भी है, दोनों तकरीबन फुल हो चुकी हैं। आप यही अंदाजा है, इधर जब बह हो तो फुल होगी, देख लें जी आप। तो अभी किराया फाइनल करते हैं फिर आपको बताता हूँ जी। तो जाने के भी 50 ले रहे हैं और आने जाने के भी 50 हैं, ठीक है। देख लें इसमें फंदक है, मताम है, मज़ारात है, ज़ियारा मदीना अल मुनव्वरा, ये तमाम तर चीज़ें हैं इसमें। बहरहाल मैं आपको आके बताऊंगा इंशाल्लाह। ये जाने आने के 50 हैं, हम बोल रहे थे कि अगर जाने के हों सिंपल, वापसी तो हम भाई अपनी मर्ज़ी से आएंगे, फिर ज़्यादा वगैरह जो भी सूरत हाल होगी वो देखते हुए। तो वो बोल रहा फिर भी 50 ही लेंगे, तो मैंने बोला फिर वो भी 50 ही लेंगे तो फिर ये नहीं सही है जाने आने के, तो ज़्यारत वगैरह भी। बहरहाल वहाँ हम रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे वो आगे आपको इंशाल्लाह बताऊँगा जी। बस तो फुल है, ये लास्ट में सीट मिली है और मैं ये लाइक कर रहा था कि अगर लास्ट में मिल जाए। ये सीट थोड़ी बड़ी होती है और इसमें ये है कि आदमी चलो अगर साथ में बैठ भी जाए फिर भी आदमी थोड़ा लेग स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। तो अभी बैठ गए हैं जी बस में, ये कब निकलती है, अभी टाइम क्या हुआ मैं अभी देख लें जी। टाइम 10:25, तो कितने बजे निकलती है इंशाल्लाह तमाम तर तफसील आपके साथ आगे शेयर करता रहूँगा। एक चीज़ और, टिकट अपनी जो आपको ये दें संभाल कर रखिएगा, उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया। तमाम तर सहूलियात जो भी मिलेंगी नहीं मिलेंगी मैं आपको वीडियो में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। और टिकट संभाल कर इसलिए रखिएगा कि ये लोग अगर रास्ते में आपने कहीं गिरा दिया, आपसे गुम हो गया, तो ये मानेंगे नहीं। जिस टाइप के मैं इनको देख रहा हूँ, बहुत बहस की है कि यार भाई ले लो 40 ले लो, वो बोलता नहीं हम जाएँगे सिर्फ 40 ले लो। तो वापसी तो हमने जैसा कि रुकने का है, हो सकता है कहीं और भी चले जाएं। बहरहाल अभी तो मदीना का टूर है, तो ये बोलता है कि नहीं 50 लेंगे चाहे जाओ चाहे आओ। हमने बिल्कुल बोला आने जाने की, तो आएंगे नहीं हम या आ जाएंगे अपनी मर्ज़ी करेंगे जो भी होगा। बहरहाल इंशाल्लाह आगे बताऊंगा जी। तो बनी मालिक से रवानगी शुरू हो चुकी है जी, और मैं बैठा भी लास्ट सीट के, वो मेरे नीचे जहाज़ का इंजन लगा हुआ है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो देख लें जी मैं आपको थोड़े व्यू दिखा दूँ, बनी मालिक से निकल पड़ी और ये आगे आएगा जी जाज बैंक एंड पंजाब हलवियात वगैरह, पंजाब मताम पंजाब, साथ में सबस मंडी वाला बाज़ार है। अच्छा एक भाई मुझे अक्सर बोलता है, वो वीडियो अगर मेरा देख रहा है तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, भाई ये तू मेरे को बोल रहा था कि जो रूम किस तरफ है तुम्हारा वो बता देना। ये यहाँ पर रुक चुके हैं, यानी कि इस तरफ है या ये जो इंजाज बैंक वाली साइड है, ठीक है, इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, और दोनों तरफ से किस तरफ रूम है ये बता देना, इंजाज बैंक वाली साइड या ये साइड, और यहाँ से कितनी दूर आगे जाकर कौन सी गली में है ये मुझे भाई पूरी तफसील बता देना।
जी बस तो खाली है और मैं नीचे उतर रहा हूँ। व्यू सुबह टाइम के और ये मस्जिद जी देख लें, ये फजर टाइम रुके हैं और ये मस्जिद कुबा वो पहुँच कर रुके हैं। अच्छा मैं इसकी ज़्यारत अलग से इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा, अभी तो फजर की नमाज के लिए रुके हैं। फजर की नमाज ज़ाहिर सी बात है वो बोल रहे हैं, आप यहाँ पर पढ़ लें उसके बाद आगे चलेंगे। तो मस्जिद कुबा और आपको मुकम्मल इंशाल्लाह ताला इसकी जो ज़्यारत है ना वो मैं विज़िट करूँगा, इसका फिर करवाऊँगा इंशाल्लाह जी। अभी जिस बस में हम आए हैं वो पता नहीं है कि चली गई है, तो हम थोड़ा लेट हो गए, अभी जा रहे हैं उस टाइम उस तरफ देखते हैं। और मैं देख रहा हूँ इंडोनेशियन आवाम उम्रा पर आई हुई, ज़ाहिर सी बात है मदीना शरीफ ज़ियारत के लिए आए हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा तादाद में यार अभी ग्रुपों के ग्रुप देख रखा था मैं, दोबारा छुटता भी आ रहा है, मास्क ऊपर कर लें जी। अभी मस्जिद कुबा से हम निकले हैं आगे गली है, तो मैं तो पहली बार सफ़र कर रहा हूँ इस बस में और मुझे लग रहा है कि ये लोग सब ज़्यारतें करवाएंगे उसके बाद हरम शरीफ छोड़ेंगे, तो यानी कि ये साथ में ज़्यारतें करवा देंगे अभी और उसके बाद हरम शरीफ छोड़ेंगे। बहरहाल मैं वीडियोस में आपको दिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह आगे आगे, और ये जो ज़्यारतें हैं ये अलहदा से फिर दोबारा से करेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ, वो वीडियो आपके साथ अलहदा से शेयर करूँगा। अभी पहुँच चुके हैं जी ओहद, ये शॉर्टली ज़्यारत हो रही हैं जो गाड़ी वाले की तरफ से होती हैं, तो देख लें बोलता है कि जमा की सूरत में इकट्ठे रहें। अच्छा पीछे मैं आपको आगे किस्सा सुना देता हूँ वो भी, तो अभी मैं आपको ओहद ये मस्जिद है जो ओहद में भड़ी वो सामने ओहद पहाड़ है ठीक है, तो कबूर मुबारक जो अंदर है सलाम पेश किया जा रहा है। तो ये ज़्यारत आपको मैं एक शॉर्टली से दिखा दूँ, बाकी इंशाल्लाह जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं आपके साथ एक अलहदा से दिन के टाइम विज़िट करेंगे तो वीडियो शेयर करूँगा। अभी फजर के बाद के मनाजर हैं तो देख लें मैदान ओहद, बेसिकली मैदान ओहद यही है जहाँ पर ये कबूर मुबारक हैं जिनमें सरफरिस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक अमीर हमज़ा और रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी कब्र है, तो सॉरी रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी कब्र मुबारक है यहाँ पर। तो मैं दिन के टाइम आपको मनाजर दिखाऊँगा, बेसिकली वैसे एक गजवा जो हुआ वो यही हुआ है इस अराउंड में, वो सामने पहाड़ी है जिसके ऊपर तीरंदाज थे, इंशाल्लाह वो तफसील के साथ शेयर करूँगा जी। ओहद से हूँ मैं लाइव इस वक्त, हुआ कुछ यूँ के पीछे हम मस्जिद कुबा में थे तो मैं और मेरा दोस्त हम ही लेट थे, बाकी बस फुल थी वो इंतज़ार कर रहे थे, तो जब हम पहुँचे हैं तो उस बंदे ने बोल दिया सुडानी है कि तुम फिर लेट हुए दोबारा तो मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊँगा फिर हम चले जाएँगे, तो मैंने बोला मालिश भैया अभी हम वो ही वाकई लेट गए हैं तो अभी टाइम से जाएंगे बस की तरफ। ज़रा तो मैं आपको शॉर्टली दिखा रहा हूँ, इन वीडियोस के भी पार्ट के साथ आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा और इसके अलावा जो तमाम तर ज़ियारत हैं इनकी वीडियो अलग से बनाऊँगा वो अलग से शेयर करूँगा तफसील के साथ।